Hello students, in today's video we will check whether this square is magic square or not. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो ये स्क्वायर दिया गया है ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं. ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन होती हैं, जो लाइक ये रो वन, ठीक है, ये पूरी रो वन, रो टू, रो थ्री, ठीक है, फिर इस तरह से आएंगे ऊपर से वर्टिकली देखते हैं तो क्या होता है, कॉलम कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, और ये क्या होता है, हमारा डायगोनल होता है. ठीक है, ये हमारा डायगोनल है, ये भी दो डायगोनल है. ठीक है, तो इन सब की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी. ठीक है, कॉलम वन इज इक्वल टू सी टू, सी थ्री इज इक्वल टू आर वन, आर टू, आर थ्री, एंड डायगोनल ऑल्सो इक्वल टू टू द सी वन, सी टू, मतलब सब आपस में बराबर है. ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, स्टार्ट करते हैं हम आर वन से. ठीक है, तो प्लस करते हैं, एडिशन सबका सेम होना चाहिए तभी ये मैजिक स्क्वायर होगा, अदरवाइज़ ये नहीं है. ठीक है, एलसीएम 11 आया, फिर ऊपर इनको जोड़ दिया, 4 9 कितना हुआ, 13 13 टू 15. ठीक है, आर वन इतना आया, आर टू 3 बाई 11 प्लस 5 बाई 11 प्लस 7 बाई 11. ठीक है, 11 एलसीएम लिया, ओके, 7 5 12 12 3 15. अभी तक तो सही है, मैजिक स्क्वायर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. फिर थर्ड जो है आर थ्री ली हमने, रो थ्री, सेम एलसीएम 11 आया, और जोड़ेंगे तो 7 8 15. अभी तक तो सब सही चल रहा है. इसी तरह से आगे चलते जाते हैं, सी वन भी देख लेते हैं. कॉलम वन, कॉलम वन की वैल्यूज़ आपको नहीं दिख रही होंगी लेकिन मैं बता देता हूँ, 4 बाई 11, 9 बाई, सॉरी मैं तो ये रो ले रहा हूँ, कॉलम लेना मैं. ठीक है, इस तरह से नीचे आ रहा है, 3 बाई 11, 8 बाई 11, तो क्या होगा, 11 एलसीएम, ओके, 8 3 11, 11 4 15. ठीक है, फिर सी टू 9 बाई 11, 5 बाई 11, 1 बाई 11. ठीक है, 11 एलसीएम ऊपर आ जाएगा आपका जोड़ने के बाद, 15. सी थ्री 2 बाई 11, 7 बाई 11, 6 बाई 11, 11, 7 2 9 9 6 15. ठीक है, अब तक तो आर सारी रो सारे कॉलम अब तक बराबर है, बचे आपके दो डायगोनल. ठीक है, तो डायगोनल वन लेते हैं, ठीक है, जिसमें 4 बाई 11 है, प्लस 5 बाई 11 है, प्लस 6 बाई 11 है, तो ये भी जुड़ने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 4 6 10 5 15. ठीक है, ये भी सेम वही आया. ठीक है, फिर डी टू डायगोनल टू लेंगे, 2 बाई 11, 5 बाई 11, 8 बाई 11, एडिशन के बाद एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाले को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 टू 15. ठीक है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, सबकी वैल्यू जो है 15 बाई 11 आ रही है. ठीक है, तो यहाँ पे यस आपका आंसर होगा. ठीक है, और वैल्यूज़ क्या क्या है, 15 बाई 11 है चारों तरफ, मतलब हर तरफ, हर किसी के लिए, कॉलम हो या रो हो या फिर डायगोनल हो. ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.